इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो हिमाचल प्रदेश से इस वक्त आ रही है। हिमाचल में धर्मशाला विधानसभा के गेट पर किसी ने खालिस्तानी झंडे लगा दिए हैं। आपको बता दें झंडों पर पंजाबी में खालिस्तान लिखा हुआ है। हिमाचल में खालिस्तानी झंडे कैसे लगे इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खालिस्तान लिखे झंडे कैसे लगे इसकी तफ्तीश हो रही है। ये झंडे कब लगाए गए इसको लेकर के जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त जगविंदर पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, इससे पहले शिमला विधानसभा में भी खालिस्तानी समर्थकों ने ये चेतावनी दी थी कि वहां झंडे लगाएंगे, वहां पे अगर एहतियात बरता गया तो यहाँ भी तो बरतना चाहिए था। एक बड़ी चूक है और बड़ा महत्वपूर्ण परिसर है ये। हिमाचल में दो विधानसभा परिसर है, एक शिमला में है और एक धर्मशाला में है। समर सेशन और जो मानसून सेशन है वो तो शिमला में ही होता है, जबकि विंटर सेशन जब बहुत सर्दियां होती हैं तो धर्मशाला में ये सेशन होता है। लेकिन यहाँ सुरक्षा का ना होना वाकई चौंकाने वाली बात है। दूसरा, सीसीटीवी भी नहीं थे, अगर होते तो उसमें ये पता चल गया होता कि रात को ये कारस्तानी किसने की है। दूसरी बात रही ये कि इस तरह की गतिविधियां गुरपतवंत सिंह पन्नू जिसका संगठन SFJ है वो करता है, और हिमाचल में मुख्यमंत्री को चाहे टेलीफोनिकल थ्रेट भेजने की बात हो या इस तरह की एक्टिविटीज को बढ़ावा देने की बात हो, ये पहले हो चुकी है। इसके बाद ये एहतियात इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पर बरती जानी चाहिए थी जो नहीं बरती गई। लेकिन अभी जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची है, उन्होंने कहा केस दर्ज करके इसकी जांच की जाएगी कि आखिरकार ये लगा कैसे और दीवारों पर खालिस्तान लिखा कैसे गया। दूसरी बात ये है कि जहां मुख्य गेट है विधानसभा का, ये वहां सारी एक्टिविटी हुई है, इसका मतलब कि रात को वहां कोई चौकसी पर था ही नहीं, वरना उस जगह पर ये काम हो ही नहीं सकता था। और अगर अब ये अब पुलिस इसको जो है वो हटाकर पेंट पुतवाकर इन तमाम चीजों को हटा दिया गया है, और SDM ने ये कहा है कि हम केस दर्ज करके तुरंत ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस चूक के लिए कौन जिम्मेवार है और कौन लोगों ने ये हरकत की है। लेकिन वाकई ही हिमाचल में इस तरह की एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलना ये एक चौंकाने वाली बात है और पुलिस सुरक्षा में भी ये एक बड़ी चूक है। और इसीलिए जगविंदर सवाल यही उठ रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियां क्या अलर्ट पर नहीं थी? सीसीटीवी फुटेज वहां नहीं लगाया गया, वहां से मिल नहीं रहा है, सीसीटीवी कैमरेज नहीं लगे हुए थे, और वो भी विधानसभा, ये तो अपने आप में बहुत संवेदनशील जगह होती है। जाहिर सी बात है, और इन तमाम घटनाओं को देखते हुए अब ये चीज कोशिश की जा रही है पता लगाने की कि अगर लगे थे सीसीटीवी तो क्या उनको इंस्टॉल नहीं किया गया, इंस्टॉल किया गया तो उसका फुटेज नहीं आया, फुटेज नहीं आया, इन तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। लेकिन सबसे हैरत वाली बात यह है कि जहां पर सेंट्री पोस्ट होना चाहिए वहीं पर झंडे लगे हुए हैं, यानी मुख्य द्वार पर हमेशा पुलिसकर्मी तैनात रहता है जो भी महत्वपूर्ण बिल्डिंग होती है, सरकारी बड़ी बिल्डिंग होती है, और यहाँ पर तो सेशन लगता है, विधानसभा का परिसर है, यहाँ पर सुरक्षा का ना होना, अगर सुरक्षा कर्मी था तो क्या वो सो रहा था, उसको पता ही नहीं लगा इतने इत्मीनान से दीवारों पर कोई खालिस्तान लिखकर चला गया। तो सुबह जब लोग सैर के लिए निकले उन्होंने सबसे पहले देखा कि ये पोस्टर लगे हुए हैं और दीवारों पर खालिस्तान लिखा गया हरे रंग से। अब उनको पेंट पूंट करवाकर जो है वो दोबारा से पेंट से साफ करवा दिया गया है, लेकिन पुलिस जांच के बाद ही ये पता लगा पाएगी कि ये शरारत किसने की और किसका इसको इशारा था ये सब करने के लिए। बहुत शुक्रिया जगविंदर इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं एजेंसियों पर। ABP News आपको रखे आगे।